मुरादाबाद शहर लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शहर के सिविलाइन स्थित चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी में यूपीएससी 2022 और 23 के बैच का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन ने पहुंचकर शुभारंभ किया और सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। और उनका कहना था कि शिक्षा के क्षेत्र में मुरादाबाद आगे बढ़ रहा है और यहाँ से कई आईएएस भी अब निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाणक्य अकादमी के प्रांगण में यूपीएससी आईएएस पीसीएस सिविल सर्विसेज बैच का शुभारंभ हुआ। सीडीओ मुरादाबाद आनंद वर्धन व चाणक्य अकादमी के चेयरमैन विपिन गोयल द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन ने चाणक्य अकादमी को मुरादाबाद से यूपीएससी सिविल सर्विसेज का इकलौता सिलेक्शन देने के लिए बधाइयां दी। यूपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को उन्होंने एग्जाम क्रैक करने के महत्वपूर्ण टिप्स दिए। यूपीएससी की तैयारी तब तक करें जब तक सिलेक्शन न हो, विफलता से निराश न हो, निरंतर तैयारी करते रहें। अपनी तैयारी का अनुभव भी उन्होंने साझा किया। चाणक्य अकादमी के विद्यार्थी का यूपीएससी में सिलेक्शन होने पर उन्होंने खुशी जाहिर की और कहा कि मुरादाबाद के विद्यार्थियों को यूपीएससी की तैयारी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो विद्यार्थी बाहर नहीं जा पाते वो भी यूपीएससी की अच्छी तैयारी का लाभ ले सकेंगे। कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थी अपने रियल लाइफ हीरो से मिलके फूले नहीं समाये। यूपीएससी सिविल सेवा एग्जाम 2016 के सातवें टॉपर आनंद वर्धन से मिलना उनके लिए एक सपने जैसा था। डायरेक्टर सारंग गोयल ने कहा कि चाणक्य का लक्ष्य अगले साल यूपीएससी में एक से ज्यादा सिलेक्शन देने का है। वहीं डायरेक्टर केतन गोयल ने मुरादाबाद को यूपीएससी की तैयारी का हब बनाने की बात कही। चाणक्य कभी गुणवत्ता से समझौता नहीं करता, उसी का नतीजा है यूपीएससी में सिलेक्शन। अपना तैयारी आपकी प्रारंभ हो रही है और मुरादाबाद जैसे शहर में एक अच्छे स्तर की आई एस कोचिंग का होना बहुत आवश्यक भी है और इस दिशा में जो प्रयास चाणक्य ने किया है वो सराहनीय है और मैं निश्चित आप सभी लोगों की सफलता की कामना करता हूँ। आपकी पूरी टीम की सराहना करता हूँ, बहुत मेहनत से आपको पूरे सेटल बनाया है और अभी तक भी मुरादाबाद के जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस दिशा में उनका गाइडेंस कर रहे हैं। समय समय पर यूपीएससी का पैटर्न जो है वो बदलता रहता है, समय के अनुसार अपने आप को उसमें ढालना बहुत आवश्यक होता है। एग्ज़ाम क्लियर किए हुए मुझे 5 वर्ष का समय हुआ और इस अवधि में भी मेन्स एग्ज़ाम में कुछ परिवर्तन आए हैं, क्वेश्चन के पैटर्न में परिवर्तन आए हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन 16-17 तक पूछे जा रहे थे, उसके कंपेरिजन में आप जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। तो आप सभी लोगों को इस तैयारी के दौरान जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, जो आपका रेगुलर सिलेबस है, जो लेकिन सिलेबस है यूपीएससी का, उसको तो कवर करना ही है। साथ में करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना है, अपने आप को अपडेटेड रखना है, क्वेश्चंस के पैटर्न जो चेंज हो रहे हैं उसमें अपने आप को अडैप्ट करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, सर्विस में आएंगे तो आपकी जर्नी का पार्ट शुरू होगा और बहुत फ्रूटफुल जर्नी वो भी रहेगी। तो इन्हीं सब भावनाओं के साथ मैं आप सभी इस बार जो यूपीएससी में हमारा रिजल्ट आया है, देखिए यहाँ मुरादाबाद के आदित्य राज जी की 225 रैंक आई है और इसी मंडल से बिजनौर में रैंक 1 भी आई है, तो ये बहुत एक प्रोत्साहन वाली बात है यहाँ के बच्चों के लिए भी। और आज जो बच्चों से इंटरेक्शन में देखने को भी मिला कि बहुत उत्साह है सभी लोगों में और प्रयास ये होना चाहिए कि हम इस संख्या को और बढ़ाएं। और निश्चित ही यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, एक गाइडेंस की आवश्यकता है। और मैं व्यक्तिगत स्तर पे भी और जो हमारी अभ्युदय स्कीम है उसके अंतर्गत भी और जो हमारे प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं, जैसे आज यहाँ चाणक्य अकेडमी में मैं आया था, इन सभी के सहयोग से एक अच्छा रिजल्ट हम लोग आगे देते रहें, यही प्रयास करेंगे। कार्यक्रम का संचालन नीना रस्तोगी व एम के गंगवार ने किया। मैनेजर मुकेश व एडमिनिस्ट्रेटर सूरज ने कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि आनंद वर्धन, यूपीएससी के विद्यार्थी व चाणक्य के शिक्षकों का आभार व्यक्त किया और बताया कि आने वाले समय में NDA, NEET, COET व बैंक के नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं। जी, आज जो कार्यक्रम था ये चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी में है जो कि सिविल लाइन्स क्षेत्र मुरादाबाद में स्थित है। और आज यहाँ पे जो कार्यक्रम था वो हमारा IAS PCS का जो बैच है, नया बैच जो कि 22 और 23 के लिए हम जिसके अंदर तैयारी कराएंगे, उसका शुभारंभ था। और आज हमारे शहर के CDO सर IAS आनंद वर्धन जी ने इसका उद्घाटन करा।
और ये बहुत खुशी की बात है हमारे शहर के लिए। सन 2019 से चाणक्य प्रयास कर रहा है कि मुरादाबाद के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करा जाए जो कि UPSC में बच्चों को सफलताएं दिलवाए, जो कि अब तक एक धारणा रही है कि छोटे ज़िलों में एडमिशन होना या छोटे ज़िलों में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है छोटे ज़िलों से। 2019 में चाणक्य ने इस चीज़ की शुरुआत करी थी और आज 2022 में हम हैं और आज हमारे को एक ऐसा सौभाग्य मिला है या कह लीजिए कि ऐसी सफलता मिली है कि 2021 जो UPSC पेपर हुआ उसमें चाणक्य ने सिलेक्शन दिया है मुरादाबाद से, जो कि अपने आप में पहली बार हुआ है। जो आदित्य राज हमारे स्टूडेंट हैं जिनकी कि 225 रैंक आई है ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने हमारा नाम गौरवान्वित किया है और पूरे शहर का नाम उस पटल पे पहुंचाया है कि आज मुरादाबाद से लोगों को एक उम्मीद जागी है कि मुरादाबाद भी आगे चल के UPSC के अंदर बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को ज़रूर देगा।